अरे मोदी जी, क्या बात है, अभी तक आपने रोटी सब्जी नहीं खाई। आप इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आए हो और मेरे को फोन तक आते नहीं क्या? देखो यार, लालू जी, नीतीश जी। अरे लालू जी कहाँ पर गए? नीतीश जी। अरे क्या बात करते हो योगी जी। भाई साहब, मैं आपसे मिलने के लिए तो बहुत बेचैन रहा, इतने दिन में आपसे मिल नहीं पाया था। और आप कहते हो कि रोटी सब्जी खा लो। नहीं खाऊंगा ये योगी जी आज की रोटी सब्जी। अरे मोदी जी, ये क्या कह रहे हो? रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी? किसी नहीं खाऊंगी? मैंने क्या किया है? अरे इतनी तपती रेगिस्तानी रेत में मैंने आपके लिए रोटी सब्जी पूरी बनाई है, दाल बनाई है, और आप कह रहे हो कि मैं आपकी रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा? किसलिए नहीं खाऊंगे? अरे देखो नीतीश जी, समझाओ। अरे मोदी जी को समझाओ, इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हैं ये। और अखिलेश जी और राहुल जी, तुम क्यों खड़े हो पीछे? मेरे को तो पता है नहीं राहुल जी, तुम खड़े हो पीछे। अरे योगी जी, आपकी दाल में तो बहुत ही स्वाद आ रहा है। अरे ऐसी दाल हमको हमारे गांव में नहीं मिलती। आप इतनी अच्छी रेगिस्तान में तपती धूप में ना पानी और ना निसुविधा, आप इतनी अच्छी दाल कैसे बना लेते हो? अच्छा, मेरे हिसाब से आपने इस दाल में क्या डाल रखा है जो इतनी अच्छी स्वाद, इतनी अच्छी अच्छी बनी है? क्या बात है मोदी जी, खाकर तो देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। मज़ा, इतनी टेस्ट बनी है दाल अपनी योगी जी की, तो मज़ा आ जाएगा। अरे मोदी जी, अरे नाराज मत हो यार, मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए जो है दाल और चावल, और इसमें दूध मिला हुआ है बकरी का। आप एक बार खाकर तो देखिए, आप कहेंगे वाह नीतीश जी वाह, क्या मज़ा आ गया आपकी दाल खाकर, बहुत ही अच्छा लगा आपकी दाल खाकर। तो मुझे ऐसी दाल तो मैं रोज़ रोज़ खाऊंगा, रोज़ रोज़ नीतीश जी योगी जी के पास आऊंगा रेगिस्तान में।